हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स में आज हम सब लोग इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ नाम के जो चैप्टर चल रहा है उसमें किरचॉफ नियम से आगे बढ़ करके हम व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। तो ये जो है व्हीटस्टोन सेतु की पहली क्लास होने वाली है, पहली न्यूमेरिकल क्लास होने वाली है बालाजी प्रकाशन से, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमें निकालना है दिए गए परिपथ में ए और बी के बीच प्रतिरोध निकालना, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, जिसका पहला डायग्राम कुछ ऐसे दिया गया और दूसरा डायग्राम कुछ ऐसे दिया गया। अगर ये व्हीटस्टोन सेतु का हम डायग्राम पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें हम व्हीटस्टोन सेतु लगा करके इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आसान बना करके। तो आसान कैसे बनाना है, तो व्हीटस्टोन सेतु ने क्या बताया था, व्हीटस्टोन ने अपने सेतु में ये बताया था, अपने सेतु में प्रतिरोध को ऐसे रखा था कि अगर दो बाएं वाले प्रतिरोध का भागफल दो दाएं वाले प्रतिरोध के भागफल के बराबर हो तो बीच वाले में धारा जीरो जाती है, बीच में धारा ही नहीं रहती है, जिससे ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम, नीचे श्रेणी क्रम, लास्ट में समांतर क्रम लगा करके हम आंसर ला सकते हैं। और इसका जो है वीडियो हम लोगों ने व्हीटस्टोन के जितने भी प्रकार के सेतु बने हैं, जितने भी प्रकार के डायग्राम हैं उनको देख लिया था, अब उन्हीं डायग्राम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया, अगर ये प्रतिरोध R1, ये प्रतिरोध R2, ये प्रतिरोध R3, ये प्रतिरोध R4, इसका नाम R5, इसका नाम R6 है, A और B के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो बीच वाले प्रतिरोध का मान हमने R7 रख दिया। और इन्होंने ये बताया था कि अगर बाएं वाले दो प्रतिरोधों का भागफल दाएं वाले प्रतिरोध के बराबर हो या ऊपर वाले दो प्रतिरोध नीचे वाले दो प्रतिरोध के भाग बराबर हों तो बीच वाले प्रतिरोध में धारा का मान जीरो जाता है, बीच में करंट कितनी जाएगी, जीरो। हम यहाँ से देख लेते हैं क्या ये व्हीटस्टोन सेतु है संतुलित, दो प्रकार के ना, संतुलित असंतुलित। R1 बटा R2 क्या होना चाहिए, R3 बटा R4 के बराबर होना चाहिए, या तो फिर R1 बटा R3 जो है वो बराबर होना चाहिए R2 बटा R4 के। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, पलट दीजिए, तो बाएं वाले दो प्रतिरोध R1 बटा R2 क्या है, दो बटा दो, दाएं वाले दो है, दो कौन है, R3 R4, कैंसिल, कितना बचा, वन वन, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, यानी कि यह व्हीटस्टोन सेतु है, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी यह एक संतुलित, याद रखिए कौन सी, संतुलित बैलेंस्ड, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। ठीक, अर्थात जो बीच वाले में धारा जाएगी प्रतिरोध में वो जीरो जाने वाली है, यानी इसमें धारा ही नहीं जाएगी तो ये बल्ब जलेगा नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं लगाने या ना लगाने से। अब हम यहां पर कह सकते हैं कि ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध एक साथ लगे तो श्रेणी, नीचे वाले दोनों एक साथ लगे तो श्रेणी, और लास्ट में क्या आ जाएगा, समांतर। ठीक है, दोनों में धाराएं समान जाएंगी, यहां से धारा बढ़ जाएगी, इधर आई वन गई, इधर आई टू गई, तो R1, R3, R इन सीरीज, ऐसे ही जो R2 और R4 है वो भी श्रेणी क्रम में है, यहां से R डैश कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2, R1 प्लस R3, R1 कितना है दो, R3 कितना है दो, दो और दो चार ओम, R डबल डैश कितना आ जाएगा, R2 प्लस R4, R2 भी दो है, R4 भी दो है, दो और दो चारों, अब ये दोनों कौन से क्रम में आ जाएंगे, समांतर, तो R डैश और R डबल डैश R इन पैरेलल, तो हम कह सकते हैं R, R बराबर कितना आ जाएगा, R डैश गुड़ा R डबल डैश बटा R डैश प्लस R डबल डैश, यही तो होता है ना, ये दोनों दोनों बराबर है तो दो से भाग करा दीजिए, दो ही लोग हैं ये बताया गया था ना, चार गुड़ा चार, नीचे चार प्लस चार, चार चौक सोलह, चार चार आठ, सोलह बटा आठ यानी दो,
तो टोटल का टोटल कितना ओम बन गया। एक हम ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पर, सभी प्रतिरोध यदि समान है तो वही आंसर आएगा। ये सभी आर आर कितने थे, बीच में क्या है हमसे मतलब नहीं, बैलेंस्ड वाले में जितना बाहर बाहर प्रतिरोध वही उसका आंसर होगा, सभी समान है ना। इसमें देखो बाहर वाले प्रतिरोध समान, यही आर ही आएगा इसका आंसर, अंदर वाला कुछ भी हो हमसे नहीं मतलब। बाहर वाला क्या है, बाहर वाले सभी दो हैं, सभी दो हैं तो दो आंसर, सभी चार होते तो चार आंसर, सभी दस होते तो दस आंसर, सभी आ रहे हैं तो आ रहे आंसर। ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर का बहुविकल्पीय में पूछा जाता है, तो याद रखिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से जान सकते हैं एक हमारा ये प्रतिरोध लगा है दो ओम का, और इसको भी टोटल हल किया तो कितने ओम का आया, दो ओम का आया। इधर भी कितना लगा हुआ है, दो ओम का लगा हुआ है। ये आर नाम था इसका, आर फाइव नाम था इसका, आर सिक्स नाम था। आप देखो अब तो सभी एक ही रास्ते में लगे हैं, रास्ते में ही एक सीरीज में एक श्रृंखला में, तो इसलिए कह सकते हैं कि आर तुल्य कितने के बराबर आएगा, दो प्लस दो प्लस दो, सभी दो दो हैं, दो दो चार दो छः ओम। तो तुल्य प्रतिरोध किसके बीच में, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध छः ओम आएगा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बी सेक्शन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है ये वाले प्रतिरोध, सबसे पहले हम ये बैलेंस्ड है कि नहीं है ये चेक करेंगे। तो बाएं वाले दोनों का भाग दाएं वाले दोनों के भाग के बराबर, ऊपर वाले दो का भाग नीचे वाले दो के भाग के बराबर, ये चीज करना है। दो क्रम वाले लेने, दो साथ साथ वाले लेने, दो साथ साथ वाले पकड़ो, दो साथ साथ वाले पकड़ो ठीक। ये और ये साथ नहीं इनको नहीं पकड़ना, ये और साथ, ये साथ नहीं इनको नहीं पकड़ना। तो यहां से हम कह सकते हैं देखो बाएं वाले कौन प्रतिरोध है, आर आर वो बराबर है, दाएं वाले के दो प्रतिरोध कौन कौन से हैं, आर और आर। हल करेंगे तो एक बराबर एक, एल एच एस बराबर आर एच एस। हम यहां से कह सकते हैं एल एच एस जो है आर एच एस के बराबर है, यानी यह भी एक, यह एक संतुलित संतुलित वीट स्टोन ब्रिज है, डब्ल्यू एस बी है, वेट स्टोन ब्रिज है संतुलित वाला। तो यानी संतुलित है तो बीच वाले में धारा कितनी जाने वाली है, बीच वाले में धारा जीरो जाएगी, तो बीच में धारा जीरो गई तो ये बल्ब पंखे कुछ भी लगे हो, कोई भी प्रतिरोध लगाओ तो इसका कोई यूज ही नहीं आने वाला है, कोई यूज ही नहीं आने वाला है, लगाने लगाने से कोई मतलब नहीं। अब ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर प्लस आर, जो कि कितना हो जाएगा टू आर। ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध हम नाम दे सकते हैं R1 R2 R3 R4, R1 R2 श्रेणी क्रम में तो R1 प्लस R2, यानी R प्लस R2 R। नीचे वाले दोनों प्रतिरोध क्या है, ये भी श्रेणी क्रम में, R डबल डैश कितना हो जाएगा R प्लस R, ये भी कितना हो गया 2R। अब इसके बाद ये R और R 2R, ये 2R अलग अलग पथ में लगे हैं तो इसलिए समांतर क्रम, यानी R A और B के बीच कितना आ जाएगा प्रतिरोध, 2R गुणा 2R और बटे में 2R प्लस 2R। हल करेंगे तो 2 दूनी 4 R स्क्वायर, नीचे 2R 2R कितने R हो जाएंगे 4R, कैंसिल R से R कैंसिल एक, तो R AB कितना आ गया, देख लो R ही आया है, बाहर बाहर समान था प्रतिरोध, R ही वही आंसर आ गया, ऐसे लगाने इनको। देखते हैं इसमें कह रहा है तीन ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ये हमारा कुछ ऐसा परिपथ दिया गया था ठीक है, दिया गया है, इनका नाम दे रहे हैं R1, R2, R3, R4, R5, ये R5 हो गया। पहले हम चेक करेंगे यह संतुलित है कि नहीं है, तो संतुलित के लिए क्या होना चाहिए, R1 बटा R2 वो बराबर होना चाहिए R2 बटा R3 बटा R4 के, बाएं वाले दोनों का भाग दाएं वाले दोनों के भाग के बराबर होना चाहिए, कितना है बाएं वाले 12 बटे 20 बराबर होना चाहिए किसके, 3 बटे 5 के, तो 4 3 12 4 5 20 एल एच एस बराबर आर एच एस आया, आ गया ना, यानी या एक संतुलित, कौन सा संतुलित, डब्ल्यू एस बी वीट स्टोन ब्रिज है। अगर संतुलित वीट स्टोन ब्रिज है तो बीच वाले में धारा जीरो है, तो बीच वाला लगाने या ना लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, नीचे श्रेणी क्रम में, लास्ट में समांतर, विभवांतर निकालेंगे, धारा आ जाएगी, अर्थात ये सी ये डी नाम दे देंगे। शुरू करते हैं तो आर वन आर थ्री आर इन सीरीज एंड
आर टू आर फोर आर इन सीरीज, आर टू एंड आर फोर आल्सो आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो ये कितना बन जाएगा, आर डैस कितना, आर वन प्लस आर टू, आर वन प्लस आर थ्री, आर वन प्लस आर थ्री। आर वन कितना है 12, आर थ्री कितना है 3, 12 3 15 ओम हो जाएगा ऊपर। और यहाँ पर आर डबल डैस कितना बन जाएगा, आर टू प्लस आर फोर, आर टू कितना है 20, आर फोर कितना है 5, 20 प्लस 5 बराबर 25 ओम हो गया आर डबल डैस। दोनों आपस में समांतर क्रम में हैं, यही तो अभी तक चल रहा है। तो आर डैस आर डबल डैस आर इन पैरेलल, तो आर ए और बी के बीच आर कितना आ गया, ऊपर दोनों का गुणा। समांतर क्रम के लिए दो प्रतिरोध का सूत्र यही लगता है, जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो ऊपर दोनों का गुणा, नीचे दोनों का जोड़। गुणा कराइए कितना आया, एक 15 गुणे 25, नीचे 15 प्लस 25, 25 पंचे 125 के 5 12 बचा, 25 इक्कन 25 12 37, और नीचे 25 और 15 कितना होता है 40, 25 15 40, 5 से काटिए 5 और टी 40, 5 से काटिए 5 सते 35, और कितने बचे 2, 50 25, 75 बटा 8, आर ए भी कितना आ गया 75 बटा 8 ओम। ये मिल गया हमको प्रतिरोध। विभवांतर निकालना है किसके बीच, ए और बी के बीच। धारा कितनी है, आई है, प्रतिरोध कितना है ए और बी के बीच, आई ए आई आर ए बी। तो धारा कितनी है 4, प्रतिरोध कितना है सबके बीच में 75 बटा 8, कितना आया 2, 75 का आधा 37.5 वोल्ट। ये बन गया हमका विभवांतर, मिल गया क्या मिल गया, विभवांतर। देखेंगे अगर जब हम ऊपर कितनी धारा जा रही है आई वन धारा, इधर कितनी धारा भेजनी हमको आई टू धारा, आई वन धारा 3 ओम में भी जानी है तो हमको किसका मान निकालना है, 3 ओम में कौन धारा जा रही है, आई वन उसी का मान निकालना है ना, ऊपर वाले दोनों प्रतिरोध। अच्छा ए बी के बीच, ए बी के बीच नीचे वाला प्रतिरोध है तो इस पर भी विभवांतर समान, ए बी के बीच ऊपर वाला है, ऊपर वाला प्रतिरोध है तो इन पर भी विभवांतर क्या होगा समान, तो ऊपर वाले पर भी विभवांतर क्या होगा नियत होगा, तो ऊपर यानी कि वी ए बी के बीच, ए बी के बीच भी विभवांतर जो है हमारा वो ए सी बी के बीच भी विभवांतर के बराबर, ए सी बी के भी विभवांतर के बराबर। ए बी के बीच कितना विभवांतर है 75 बटा 2, इसमें धारा कितनी जा रही है, इसमें धारा आई वन, प्रतिरोध ए सी बी का कितना है, ए सी बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए सी बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमने बताया था 15, ये तो है आर वन और आर थ्री श्रेणी क्रम में है 12 3 15, ये आर डैश था। आई वन हमको निकालना है, आर डैश कितना है 15, और ये कितना है 75 बटे में 2, 15 इक्कन 15 15 25 75, आई वन बराबर 5 के बटे में 2 यानी ढाई, ढाई मतलब 2.5 एम्पियर, ये आई वन का मान आ जाएगा। ठीक, आई टू निकालना तो 4 आ रहा है, ढाई ऊपर गया तो जाहिर सी बात है इधर से डेढ़ जाएगा 1.5 एमपी, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए नंबर 1 बिंदुओं ए व सी के बीच विभवांतर। ये ए है, ये सी है, और ये बी है, और ये डी दिया गया है चित्र में। और दूसरा निकालना है धाराओं आई वन व आई टू के मान। तो ये हमारा चित्र दिया गया है, सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज है या असंतुलित। तो उसके लिए हम नाम देते हैं, इसका नाम आर वन, इसका नाम आर टू, इसका नाम आर थ्री, इसका नाम आर फोर, और इसका नाम आर फाइव देंगे। तो संतुलित जब होगा तो बीच वाले में धारा जीरो नहीं जाएगी। संतुलित कब होगा, तो जब किन्हीं दो क्रमागत प्रतिरोधों का अनुपात अन्य दो क्रमागत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाता है तो संतुलित हो जाता है। जैसे आर वन बटा आर टू किसके बराबर हो, आर थ्री बटा आर फोर के। हमने बताया था बाएं वाले का भाग करो दाएं वाले के भाग करो और बराबर आ जाए तो संतुलित, ऊपर वाले का भाग करो नीचे वालों का एक साथ भाग करो बराबर आ जाए तब संतुलित। तो क्या हो जाएगा, ये संतुलन के लिए ये फार्मूला होता है ना, आर वन का मान 15, आर टू का मान 30, आर थ्री का मान 3, आर फोर का मान 6।
तो 15 इक्कन 15 दुना 30, 3 इक्कन 3 दुना 4, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 यानी LHS बराबर RHS। दोनों प्रतिरोधों का अनुपात बराबर आ रहा, अर्थात जो बीच में धारा जाने वाली है उसका मान कितना जाएगा, 0 जाएगा। यानी यह एक संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है, WSB व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो संतुलित है तो बीच में करंट 0 जाएगी, तो इसमें बल्ब लगाने या ना लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं जा रही, तो मतलब क्या है। तो I1 करंट इधर से ही निकल जाएगी ऐसे, और I2 करंट यहाँ से निकल जाएगी। अब देखो दोनों ऊपर R1 R3 में समान धारा तो श्रेणी क्रम, नीचे I2 R4 में समान धारा I2 ही है, तो इसलिए ये भी आपस में श्रेणी क्रम। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे R1 R2 R इन सीरीज यानी श्रेणी क्रम में है, ऐसे ही R2 R4 आपस में श्रेणी क्रम में है, R इन सीरीज। तो I डैश कितना बन जाएगा, R1 प्लस R3। R1 कितना है 15, R3 कितना है 3, 15 और 3 18 ओम हो जाएगा ऊपर प्रतिरोध, ऊपर वाला टोटल। नीचे कितना प्रतिरोध है, R" R2 प्लस R4 श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है प्रतिरोधों को। R2 कितना है 30 है, R4 कितना है 6 है, और 30 और 6 36 ओम हो जाएगा। और ये दोनों अब आपस में अलग अलग, क्योंकि ऊपर और नीचे अलग अलग धाराएं थी, तो इसलिए ये कौन से क्रम में हो जाएंगे, आपस में समांतर क्रम में, R' R" R इन पैरालेल, अलग अलग धाराएं, ऊपर मिलकर के R' बना, नीचे टोटल मिलकर के R" बना, ऊपर I1 धारा नीचे I2 धारा, अलग अलग धारा, तो समांतर क्रम हो गई। तो अब A और C के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, टोटल दो ही बचे, ऊपर मिलकर नीचे मिलकर एक, दो बचे, अब दो से एक हो जाएगा। समांतर क्रम के लिए R' गुणा R" बटा R' प्लस R" ऊपर गुणा नीचे जोड़, R' कितना है 18 गुणा 36, नीचे 18 प्लस 36, तो ऊपर दोनों का गुणा कराएंगे तो 18 गुणा 36 ऐसे लिखा रहने दो, अभी गुणा ना करो, नीचे जोड़ो 54 हो जाएगा। 18 इक्कन 18 18 3 54, 3 इक्कन 3 और 12 3 36, टोटल मिलकर के कितना ओम हो गया, 12 ओम। तो ए और सी के बीच, ए सी है ए बी नहीं, ए और सी के बीच टोटल प्रतिरोध कितना आ गया है, 12 ओम आ गया है। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरा आंसर I1 I2 का मान निकालना है, I1 I2 का मान निकालना है, तो डायग्राम को थोड़ा अच्छे से समझ ले, क्योंकि ये पिछला वाला क्वेश्चन हमारा अभी सॉल्व भी किए हैं कि कैसे ये सॉल्व होता है, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाला प्रतिरोध ऊपर है, एक प्रतिरोध नीचे है, और ये दोनों आपस में किससे कनेक्टेड थे, इधर वाला ए से कनेक्टेड, इधर वाला सी से कनेक्टेड, ये R' बना था, ये R" बना था, और नीचे लगा हुआ है एक सेल, कितने वोल्ट का सेल लगा हुआ है, 6 वोल्ट का। अगर देखा जाए इसमें कितनी धारा जा रही थी I1, इस वाले में कितनी धारा जा रही थी I2, तो अगर देखा जाए तो AC के बीच ही सेल लगा है, बैटरी जिसे कहते, और AC के बीच में ऊपर वाला प्रतिरोध है, और AC के बीच में ही नीचे वाला प्रतिरोध है, तो इन पर विभवांतर क्या जाने वाला है, समान। आरी बात समझ में, तो जितना ऊपर विभवांतर जाएगा उतना ही नीचे भी विभवांतर जाएगा, क्योंकि दोनों AC के बीच लगे, ऊपर वाले भी टोटल प्रतिरोध, नीचे वाले टोटल प्रतिरोध, और ये नीचे, तो समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो हम कह सकते हैं VAC का मान कितना हमारे पास है, 6 वोल्ट AC के बीच विभवांतर, और साथ ही साथ VAC जो है वो बराबर होगा VABC के, जितना ऊपर भी भूवांतर जाएगा उतना नीचे भी भूवांतर जाएगा। नीचे कितना है, VADC, ADC पर ABC पर। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, AC बराबर VABC लेंगे, और इधर हम लेंगे VAC बराबर VADC। ओम का नियम लगाएंगे,
ए ओम का नियम, यहाँ पर कितने वोल्ट का सेल दिया गया है, 6 वोल्ट का, तो 6 लिख देंगे। ओम का नियम इसमें लगाएंगे, ऊपर धारा कितनी जा रही, ए बी सी में धारा कितनी जा रही, I1, ऊपर वाला प्रतिरोध टोटल मिलकर के कितना हुआ, 15 × 3 = 18, जो कि आई डैश था हमारा। तो I1 का मान हमको निकालना, आई डैश टोटल हमारा कितना आया था, आई डैश 18 ओम। तो I1 बराबर करेंगे तो 6/18, 6 × 1 = 18, तो I1 बराबर हम कह सकते हैं 1/3 एम्पियर आ जाएगा आंसर। ऐसे ही AC का मान कितना दिया गया, कितने वोल्ट का दिया गया है सेल, विभवांतर 6 वोल्ट का। ADC मतलब ओम का नियम, धारा गुणा प्रतिरोध, धारा कितनी जा रही नीचे से, I2, और नीचे का टोटल प्रतिरोध जो बना था I2 और R4 मिलकर के, वो कितने ओम का था, I′ था 36 ओम का। 36 आगे कितना, 6। अगर हम यहाँ से I2 का मान निकालेंगे तो 6/36, 6 × 1 = 36, 1/6 एम्पियर, ये क्या बन जाएगा, इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4, जो कि है चित्र में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। कब ज्ञात करना है, जब स्विच ये बीच वाला जो है बंद हो और जब क्या हो, खुला हो। तो पहले केस में क्या कह रहा है, इसका जो स्विच दिया गया है वो बंद है, हमने मान लिया स्विच बंद है। तो स्विच अगर जो बंद है, तो अगर इधर से धारा आ रही होगी, जिसके बीच में हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना रहता, उसके बीच में हम सेल लगाते हैं हमेशा, सेल या बैटरी, कितने वोल्ट का लगा दिया हमने, वी वोल्ट का सेल या बैटरी लगा दी गई। तो यहाँ से धारा आकर के धारा बढ़ जाएगी, ऊपर I1 गई, नीचे I2 गई। अब हम चेक करेंगे क्या इसमें धारा जाएगी, अगर धारा जाएगी तो फिर किरचॉफ रूल लगाएंगे, नहीं जा रही तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, संतुलन की अवस्था वाला। तो इसका नाम R1 दे दें, इसका नाम I2, इसका नाम R3, इसका नाम R4। तो व्हीटस्टोन ने क्या बताया, यदि R1/I2 वो R3/R4 के बराबर हो, तो बीच वाले में धारा क्या जाने वाली है, 0। तो चेक करें क्या बराबर है, R1 6 है, I2 भी 6 है, R3 12 है, R4 भी 12 है, ये कैंसिल हो करके 1, ये भी 1, यानी बराबर है। तो इसलिए यह एक कौन सा, संतुलित WSB है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, संतुलित है। तो इसलिए बीच वाले में धारा जाने वाली नहीं, I1 धारा हमारी 12 ओम में सीधे चली जाएगी, और इधर से I2 धारा सीधे चली जाएगी 12 ओम में। तो देखो बीच इधर धारा है ही नहीं, कोई मतलब नहीं इसे लगाने या ना लगाने से। अब ऊपर वाले में समान धारा R1 R2 में है, तो ये दोनों हो जाएंगे कितना, R' बराबर R1+R3, श्रेणी क्रम में है ना R1 R3। तो 6+12 कितना हो जाएगा, 18 ओम। नीचे अगर जो हल करेंगे तो I′, ये I2 R4 भी श्रेणी क्रम में है, तो I2+R4, I2 कितना है, 6 है, R4 12 है, 12 और 6 18 हो जाएगा। अब R1 और R′ समांतर क्रम में है, R in parallel समांतर क्रम में है, तो R A और B के बीच R कितना हो जाएगा, ऊपर दोनों का गुणा, यानी 18 × 18 और नीचे 18+18, ऊपर 18 × 18 लिखा रहने देंगे, नीचे 18 और 18 = 36, 18 × 1 = 18, 2 = 36, 9 × 2 = 2, 2 × 18, टोटल कितने ओम आ गया प्रतिरोध, 9 ओम। कब, जब स्विच क्या था, बंद था। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, स्विच क्या हो, खुला हो, स्विच क्या हो, खुला हो, यानी ये स्विच अब की बार खुला है, स्विच क्या है, खुला है, ये देखिए स्विच ये खुला हुआ है। अगर स्विच खुला हुआ है तो क्या धारा इससे जाने वाली है, जब ये स्विच ही खुला, रास्ता खुला है, तो इससे धारा कहाँ जाएगी, तो अब की बार I1 सीधे चली जाएगी, I2 अपने सीधे रास्ता चली जाएगी, इसमें धारा जाएगी ही नहीं। तो ये तो सिंपल सा, इसमें उसमें चेक किया करना था, इसमें चेक भी नहीं करना है। तो इसमें R1 R
टू जो है वो अपने आप में सीधा क्या है, आर इन सीरीज है, तो इसलिए आर डैश कितना हो जाएगा, आर वन प्लस आर टू, छः प्लस बारह बराबर अट्ठारह ओम। और ऐसे आर टू आर फोर आपस में कौन से क्रम में होंगे, ये भी श्रेणी क्रम में होंगे आर इन सीरीज, तो आर डबल डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर टू प्लस आर फोर। आर टू कितना हमारे पास है, छः, और प्लस आर फोर है बारह, और छः और बारह अट्ठारह ओम। अब ये दोनों आपस में कौन से क्रम में हैं, ऊपर अलग अलग धाराएं ऊपर नीचे में, तो समांतर क्रम में, तब ए और बी के बीच कितना आ जाएगा, समांतर क्रम में है आर डैश आर डबल डैश, आर इन पैरेलल है ना, अगर समांतर क्रम में है तो ऊपर दोनों का गुणा अट्ठारह गुणे अट्ठारह, और नीचे जोड़ अट्ठारह प्लस अट्ठारह, तो हल करने पर यह भी कितना आ जाएगा, नौ ओम ही तो आएगा। दोनों ही केसेस में धारा बीच में कितनी जाने वाली है, जीरो जाने वाली है, ये संतुलित है तब भी जीरो जा रही है, और स्विच खुला है तब भी जीरो जा रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिए, ठीक है।